सियासी अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा तो होती रहती है। फिलहाल कोई बयान या राजनीतिक हलचल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ध्यान साधना को लेकर सुर्खियों में हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी है। पीएम मोदी ने गुरुवार शाम को ध्यान शुरू किया, जो 1 जून की शाम तक जारी रहेगा। जिस शिला पर पीएम मोदी बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ये वही शिला है जिस पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। पीएम मोदी की साधना को लेकर अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, इस शिला पर साधना से पीएम मोदी को अद्भुत ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होगी। ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी शक्ति को पहचाना और विश्व में अपना नाम किया। पीएम मोदी जानते हैं कि इस समय की समस्याओं का समाधान तपस्या और साधना से ही हो सकता है, इसीलिए उन्होंने चुनी है ये शक्ति से भरपूर जगह, जहां 3 दिन की साधना उन्हें नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगी। आचार्य जी ने ये भी कहा कि 4 जून को विजय श्री का झंडा प्रधानमंत्री के हाथों से लहराया जाएगा। देखियो, कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है, वह स्थापना जो हुआ था, वो वहाँ पर स्वयं जाकर के स्वामी विवेकानंद जी साधना किए थे और उस साधना के बल पर सारे विश्व में अपना नाम और अपनी शक्ति को प्रदर्शन किए थे। जहाँ शून्य के ऊपर बोलने के लिए उनको जब दिया गया था, क्योंकि हमारा देश उस समय परतंत्र था, और वहाँ साधना करने से उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय जो समस्या है, वो समस्या का समाधान तपस्या से और साधना से संपन्न हो पाएगा। इसलिए जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कि इस समय आवश्यकता उस जगह की साधना की है जहाँ प्रबल शक्ति है और प्रबल शक्ति की प्राप्ति हो। इसलिए वहाँ पर गए, साधना करेंगे 3 दिन, और 3 दिन में ही उनको वह ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त होगी, जिससे उनको विजय श्री के जो झंडा है उनके हाथ में आ जाएगा। कन्याकुमारी की इस शिला पर साधना करने से पीएम मोदी को वो एनर्जी मिलेगी जो उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दिला सके। इस कदम के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरह आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लेकर देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कदम एक अद्भुत मिसाल है। साधना और तपस्या से ही मिल सकती है वो शक्ति जो देश को नई दिशा दे सके। विजय के दृष्टिकोण को रखते हुए 1 दिन का भी चुनाव बाकी है, उसके पहले ही वो जाकर के अनुष्ठान शुरू किए हैं, और आज ही नहीं, ऐसे बीच में बहुत जगह जाकर के जहाँ उनके आत्मा में जो विचार आते हैं और उनको प्रेरणा जहाँ मिलती है, उसी प्रेरणा के अनुसार वहाँ जाते हैं और साधना करते हैं, और साधना का फल उनको मिलता है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।